देवघर यानी देवताओं की नगरी, जहां के कनकन में देवताओं का वास है। वैद्यनाथ धाम देवघर प्राचीन विरासत का प्रतीक है। कथाओं के मुताबिक रावण द्वारा शिवलिंग को कैलाश से लंका ले जाने के क्रम में देवताओं के छलावे में आकर रावण द्वारा यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई थी। इस ज्योतिर्लिंग को मनोकामना लिंग भी कहते हैं। श्रावण महीने में भक्त उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की पांव पैदल कांवड़ यात्रा कर देवघर पहुंचते हैं। पवित्र शिव गंगा में स्नान आदि कर मनोकामना लिंग पर जलाभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी सभी मनोतियाँ पूरी हो जाती है। श्रावण महीने में लाखों भक्त देवघर आते हैं और एक महीने तक बाबा की ये नगरी बोलबम के नारे से गूंजता रहता है। बाबा भोले के दर्शन और जलार्पण के बाद भक्त देवघर से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित त्रिकुट रोपवे का भी आनंद लेते हैं। त्रिकुट के अलावे श्रद्धालु तपोभूमि, तपोवन की गुफाएं, नंदन पहाड़ की रमणीक वादियां, प्रकाश ध्वनि शो के साथ साथ रिखिया आश्रम, सत्संग आश्रम और नौलखा मंदिर के भी दर्शन करते हैं। वर्ष 2014 के सफल मेला संचालन के बाद 2015 में भी देवघर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन बोर्ड ने भक्तों की सुविधा और सुलभ दर्शन के लिए पहल की है। भक्त भोले के दर्शन और जलार्पण के लिए सबसे पहले कांवड़िया पथ स्थित सरासनी और बीएड कॉलेज निबंधन काउंटर से प्रवेश कार्ड निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। निशुल्क प्रवेश कार्ड प्राप्त कर तय समय में कतारबद्ध होकर भक्त जलसार मोड़ से प्रवेश पाकर नेहरू पार्क में कार्ड सत्यापित कराते हैं। सत्यापन के बाद फुट ओवर ब्रिज होते हुए संस्कार मंडप से गुजरते हुए अर्घा सिस्टम से बाबा भोले पर जलार्पण के साथ भोले के दर्शन भी कर सकते हैं। देवघर जिला प्रशासन ने सभी कांवड़िया बंधुओं की सुविधा का ख्याल रखा है। जगह जगह विश्राम गृह बनाए गए हैं, शुद्ध पेयजल, स्नानागार, शौचालय, भक्तों के पांव का ख्याल रखने के लिए मखमली बालू भी बिछाया गया है। भक्तों की सुविधा के लिए निर्बाध रूप से बिजली की व्यवस्था की गई है। साथ ही नगर निगम द्वारा साफ सफाई और पेयजल की सुविधा मुहैया कराई गई है। भक्तों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने सभी प्रसाद और खाद्य सामग्रियों के दर तय कर दिए हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगह जगह स्वास्थ्य शिविर और निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ष निशक्त और वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए विशेष अर्घा की भी व्यवस्था की गई है। Done.